अरे बजरंगबली सहाय तो फिर क्या डर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य संसार जितने रहस्यों से भरा है, उतनी ही अबूझ पहेली इनके दिव्य दरबार से जुड़ी है, जहां भक्तों को खुली आंखों से साक्षात चमत्कार दिखाया जाता है। फॉर्मूला एक तिलस्मी पर्चे में सिमटा है, जिसके बूते धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी शख्स के भूत, भविष्य और वर्तमान की कुंडली खोलने का दावा करते हैं। हमने ये चार पर्चे को उल्लेखित किया हुआ है और चारों पर्चे हमने ये रखे हुए हैं लिखकर। अब चार लोग आएंगे और चारों पर्चे हमारे इस प्रकार से रखे रहेंगे, चारों पर्चे, और पहले वो प्रश्न बोलेगा, फिर एक पर्चा चुनेगा, वो जो पर्चा चुनेगा उसकी वो बात इस पर्चे में छपी मिलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार में किसी भी व्यक्ति की समस्या को उससे बिना पूछे कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उसका लाइव डेमो भी देते हैं। चारों में से एक पर्चा कोई चुनिए, पढ़ो, इधर पढ़ो, आपका नाम हरी सिंह है। क्या बोल रहा है पर्चा? चाओ आज से तुम्हारे घर पे विनाश ना हुई है, ना अकाल मृत्यु हुई है, ना तुम्हारे घर में कलेश मच है, जाओ आशीर्वाद। बागेश्वर के बाबा कैसे मन की बात जान लेते हैं, एबीपी ने इन तथाकथित दिव्य शक्तियों की पड़ताल बाबा से ही कराई। करने और कराने वाले बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक दिखाई दे रहे हैं, परंतु करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी। हमारा पर्चा एक बहाना है, असलियत में सबको बागेश्वर बालाजी का और सनातनी बनाना है। दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के अलावा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक और रहस्यमय टोना संसार है, जहां झाड़ फूक भूत प्रेतों की नहीं, खून खार जिन्नों की जाती है। आसन पर आसीन बाबा दाएं हाथ की हथेली पर दिव्य कुंडली को जागृत करते हैं। दिव्य शक्तियों से कैसे बाबा के दरबार में जिन्न काबू किए जाते हैं, इसकी कहानी और हैरान करती है। सेनापति तत्क्षण हटा के बता है? इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम, हैं? तू चैलेंज देवेगा? इतना बड़ा बहादुर है हो तुम, हैं? तू चैलेंज देवेगा? उठा उठा फेंका जाए सेनापति, तत्क्षण आदेश है, फट गले में मारो इसके, और तेज मारो इसके गले में, खपाड़ में मारो इसके, सिर में मारो इसके, और सिर में मारो इसके, और पागल करो इसके। सिद्धियों के बूते बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक भक्त को जिन्न के चंगुल से छुड़ाने का दावा किया। पंडाल के दूसरे छोर पर एक और महिला भक्त विलाप करने लगी, बाबा ने जिन्न को ललकारा। जिन्न का भूत बाबा कैसे उतारते हैं, इसका डेमो भी भीड़ के सामने दिया जाता है। चमेटा लेकर के आओ, और घर की दो इसकी सेना और रह गई, सेनापति लेकर के आओ तुरंत। बाबा धीरेन्द्र के मायावी संसार के रहस्य चौंकाते हैं। जिन्न न किसी ने देखे हैं न होते हैं, लेकिन बाबा के दरबार में जिन्नों की भरमार है। जो भी शक्ति का प्रभाव है, सेनापति राम राम सीताराम। बोल बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की। तू तो ताल ठोकता है, धमकी देता है रे, क्यों रे? अच्छा, तुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं? बालाजी महाराज की। बाबा को मानने वाले उन्हें भगवान मानते हैं, ऐसा चमत्कारी सिद्ध पुरुष मानते हैं, जिनके दरबार में हर मुसीबत घुटने टेकती है। लेकिन बाबा का यही दिव्य संसार सवालों के घेरे में है।